हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज के सेशन में जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था हाफ रिएक्शन मेथड के बारे में डिस्कस करना है, व्हिच इज द सेकंड मेथड टू बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। आपके पास जो भी रेडॉक्स रिएक्शन दिया रहेगा उस रेडॉक्स रिएक्शन को आप दो तरीके से बैलेंस कर सकते हो। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था द फर्स्ट मेथड वॉज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले सेशन में डिस्कस किया हुआ है और इसके ऊपर हमने दो एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो जिन बच्चों को नहीं पता रहेगा तो प्लीज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक बता दूंगा, तो उसके ऊपर जाओ और उस मेथड के बारे में भी एक बार डिस्कस मतलब उसको एक बार अच्छे से देख लो, राइट। सो आज हमें क्या करना है, सेकेंड मेथड के बारे में डिस्कस करना है जिसका नाम दिया हुआ है हाफ रिएक्शन मेथड, राइट। तो सेकंड हमारे पास दिया हुआ है हाफ रिएक्शन मेथड। अब इस मेथड से भी आप लोग कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किस तरीके से करोगे उसके बारे में आज हम लोग आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले, राइट। नाउ लेट मी टेल यू फर्स्ट, हाफ रिएक्शन मेथड को हम एक और नाम से जानते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, राइट। तो सबसे पहली चीज याद रखना स्टूडेंट्स, हाफ रिएक्शन मेथड को हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के नाम से भी जानते हैं। सो इफ द क्वेश्चन कम्स आउट बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो याद रखना आपने सेम मेथड को फॉलो करना है, कुछ और मेथड आपको यहां पे दिया हुआ नहीं जाएगा, क्लियर। सो आइदर पॉसिबल आयन इलेक्ट्रॉन मेथड करके नाम आएगा या फिर हाफ रिएक्शन मेथड करके नाम दिया रहेगा, व्हिच आर सेम, ठीक है। तो ये कुछ अलग मेथड है ऐसा कुछ सोचना मत, सर ने दो ही मेथड के बारे में बताया हुआ है एंड डेफिनेटली दोनों में से एक मेथड के बारे में आपको पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड में ज्यादा डिफरेंस बिल्कुल नहीं होता, बस कुछ स्टेप्स आपको यहां पे चेंज करना है। स्टार्टिंग का जैसा आप देख पा रहे हो दो स्टेप्स आपके सिमिलर है, फिर आपका तीसरा स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट होगा, फिर अगेन फोर्थ और फिफ्थ वाला स्टेप आपका सेम रहेगा और सिक्स्थ वाला स्टेप आपका थोड़ा सा अलग रहेगा, क्लियर। सो यहां पे टोटल हमें छह स्टेप्स के बारे में डिस्कस करना है, सिक्स और सेवन एक स्टेप आपका बढ़ेगा, ठीक है, बिकॉज कुछ कुछ चीजें आपको एक साथ कंबाइन वाले फॉर्म में दिया हुआ है तो मैं उसको स्प्लिट करके सिक्स या सेवन स्टेप्स में आपके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो द थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कि आपको मैंने बता दिया और वो टॉपिक्स आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हर एक आपके कॉन्सेप्ट्स क्या करो क्लियर कर लो, ठीक है। चलो सो विल स्टार्ट विद द हाफ रिएक्शन मेथड। सो सबसे पहला रूल क्या दिया हुआ है, रूल नंबर वन इज अगेन यू हैव टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द रिएक्शन, सेम आपको मैंने बताया था पिछले वाले मेथड के अंदर, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो उस मेथड में भी आपको सेम चीज दी गई थी, करेक्ट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपके पूरे रिएक्शन के अंदर जो आपका रेडॉक्स रिएक्शन दिया रहेगा उस रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर हर एक एलिमेंट को ऑक्सीडेशन नंबर आपको असाइन करना होता है, दैट इज यू हैव टू प्रोवाइड द ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एंड एवरी एलिमेंट्स, करेक्ट। फिर उसके बाद आपको रूल नंबर टू में क्या दिया हुआ है, अगेन द सेम थिंग, रूल नंबर टू में आपको दिया हुआ है यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन। जब आपने हर एक एलिमेंट को ऑक्सीडेशन नंबर प्रोवाइड किया, अब उसमें से आपको यह समझ में आ जाएगा कि कहां पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और कहां पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। अब मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो मैंने क्या बोला था, दैट मस्ट बी अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वेरस अगर मैं कहूं कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है सो विच मींस दैट ये कौन सा रिएक्शन बनेगा, रिडक्शन रिएक्शन बनेगा। सो फार समझ में आ गया, तो रूल नंबर टू भी आपका सिमिलर वैसा ही जाना, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, जो इस तरह से मैंने आपको बताया था ऐसे आपको एरो करके बताना होता है, करेक्ट है, बिफोर द रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन, फिर यहां पे इस तरीके से मैंने आपको बताया था, करेक्ट है। तो जहां पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा वहां पे आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखोगे और जहां पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा वहां पे आप लोग रिडक्शन रिएक्शन लिखोगे, सेम जैसे मैंने आपको पिछले वाले सेशन में बताया था, पिछले मेथड के अंदर बताया था, ठीक है। अब यहां पे रूल नंबर थ्री आपका थोड़ा सा अलग है एज कंपेयर टू द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, क्लियर। मैं यहां पे मेथड भी लिखवा देता हूं या तो फिर बहुत सारे बच्चे फिर बाद में कंफ्यूज करके बैठेंगे, सर ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो
रूल नंबर 3 में स्लाइटली चेंजेस किया हुआ है, ध्यान से समझना। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के कंपैरिजन में रूल नंबर 3 यहां पे आपका चेंज हुआ, ठीक है। अब ये क्या चेंज हुआ है ध्यान से समझना, डिवाइड द होल इक्वेशन इनटू टू हाफ रिएक्शन। तो आपके पास जो पूरा रिएक्शन दिया रहेगा, जो पूरा आपके पास एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन को आप दो अलग अलग रिएक्शंस में, दो हाफ रिएक्शन में डिवाइड करोगे, ठीक है। द फर्स्ट वन, सबसे पहले वाले का नाम क्या रखना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एंड सेकेंड वाले का नाम क्या रखना है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। समझ में आ गया? तो रूल नंबर 3 याद रखो, आपकी पूरी इक्वेशन को क्या करोगे स्टूडेंट्स, डिवाइड करना है। किसमें डिवाइड करना है, तो टू हाफ रिएक्शंस में, या फिर आप उसको बोल सकते हो टू हाफ इक्वेशंस में डिवाइड करना है। तो पहले वाले का नाम बन जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, वरस सेकेंड वाले का नाम बनेगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स यहां पे आपको समझना है कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन वाले में जाएगा और कौन सा रिएक्शन रिडक्शन वाले में जाएगा। तो यहां पे याद रखो, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ था, क्या हुआ था स्टूडेंट्स, इंक्रीज हुआ था, आपको पता चलेगा ना पूरे रिएक्शन में, यहां पे पहले वैल्यू इतनी थी और उसके बाद इतनी वैल्यू हो गई, बिफोर द रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन, तो उसमें समझ में आएगा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो याद रखो वो रिएक्शन किसमें जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में जाएगा। वेरस अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर, अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो स्टूडेंट्स वो किसमें जाएगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में जाएगा। exactly, तो यहां तक आपको समझना है, बिल्कुल टेंशन ना लो, सबसे पहले आप ये रूल्स याद कर लो, फिर उसके बाद जब आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना तो इक्वेशन में आपको क्लियरली समझ में आएगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। फटाफट यहां तक कॉपी कर लो, अगले रूल के ऊपर बढ़ेंगे। सो अब हम बढ़ेंगे रूल नंबर 4 के ऊपर। आई होप सारे बच्चों को रूल नंबर 3 तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। अब हम जाएंगे रूल नंबर 4 के ऊपर। देखो ध्यान से, रूल नंबर 4 के बारे में हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ है, करेक्ट है। कौन से मेथड में किया था, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो रूल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, एकदम साफ शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं, बैलेंसिंग द ऑक्सीजन एटम, कुछ याद आया, बताया था मैंने आपको, करेक्ट है, बैलेंसिंग द ऑक्सीजन एटम। अब इस बार कहां पे बैलेंस करना है, इन बोथ द हाफ रिएक्शन। बोथ द हाफ रिएक्शन से मेरा मतलब, हमने दो रिएक्शंस कंसीडर किए थे, एक था ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरा था रिडक्शन हाफ रिएक्शन, करेक्ट। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में भी आपको अलग से ऑक्सीजन बैलेंस करना, वेरस रिडक्शन हाफ रिएक्शन में भी आपको अलग से ऑक्सीजन बैलेंस करना होता है। अब कैसे बैलेंस करेंगे, तो बाय एडिंग H2O, ये तो मैंने आपको पहले बताया था, करेक्ट है। बाय एडिंग H2O कहां पे बैलेंस करना है, उस तरफ बैलेंस करना है जहां पे आपके पास लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा। क्लियर, समझ में आ गया? तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में आपको चेक करना है ऑक्सीजन कहां पे कम है और कितने कम है, तो उतने आपको H2 ऐड करना है। सिमिलरली रिडक्शन रिएक्शन में भी आपको ये देखना पड़ेगा कहां पे ऑक्सीजन कम है और कितने ऑक्सीजन आइटम्स आपके पास कम होंगे। क्लियर, समझ में आ गया? फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे रूल नंबर 5 के ऊपर। अब जैसे मुझे बताओ, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में वहां पे आप हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस कर देते हो। अब जहां पे आपका हाइड्रोजन आ गया तो बेटा उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो यहां पे रूल नंबर 5 में उसके बैलेंसिंग के बारे में आपको दिया हुआ है। तो रूल नंबर 5 क्या बोल रहा है ध्यान से समझना, बैलेंसिंग द हाइड्रोजन एटम। क्लियर, बैलेंसिंग द सॉरी हाइड्रोजन एटम इन बोथ द, दोबारा वही चीज आपको दी गई है, इन बोथ द हाफ रिएक्शन बाय एडिंग H+ ions। क्लियर, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में। तो यहां पे भी सेम आपको दिया हुआ है। सपोज मान लेते हैं मेरे पास यहां पे दिया हुआ है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और मेरे पास यहां पे दिया हुआ है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है ना, समझ में आ गया? एक बन गया ऑक्सीडेशन, दूसरा बन गया रिडक्शन। अब मुझे बताओ ऑक्सीडेशन वाले में मान के चलते हैं, मेरे पास यहां पे दिया हुआ है H2O और मेरे पास यहां पे दिया हुआ है सिर्फ आपका 2H2O, ठीक है ना, समझ में आ गया? सपोज मान के चलते मेरे पास यहां पे लेते हैं 2 molecules of H2 और मैं यहां पे ले लेता हूं H2, ठीक है, समझ में आ गया? सिर्फ एक जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां भी बाकी सारी चीजों को बैलेंस करने के चक्कर में मत जाओ,
यहां पे सिर्फ मैं बैलेंस कर रहा हूं हाइड्रोजन को, ठीक है। तो मुझे बताना यहां पे हाइड्रोजन कितनी बार दिया हुआ है, 2 × 2 = 4। वेरस यहां पे हाइड्रोजन कितनी बार दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है, तो मेरे पास यहां पे हाइड्रोजन बैलेंस हुआ नहीं है। तो इसको मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे, तो चेक करना है कौन से साइड में हाइड्रोजन कम है। यहां पे मेरे पास 4 है और यहां पे मेरे पास 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, राइट साइड पे मुझे और 2 हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करेंगे, तो यहां पे लगाना है H+, क्लियर। कितने ऐड करोगे, तो 2 मॉलिक्यूल्स आप लोग ऐड करोगे, तो यहां पे आ जाएगा 2 और यहां पे आ जाएगा 2, व्हिच मेक्स यू 4, ठीक है, समझ में आ गया। अब वही चीज आपको रिडक्शन वाले में भी चेक करना, रिडक्शन वाले में कहां पे आपका कम रहेगा उस तरफ आपको हाइड्रोजन को ऐड करना होगा, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये था आपके दोनों रूल्स के बारे में, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5। इसमें ऑक्सीजन बैलेंस करोगे और इसमें आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है। अब नेक्स्ट वाला जो रूल है ना, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, पहले बता रहा हूं, बिकॉज सारे बच्चे यहां तक प्रॉपरली करके आ जाते हैं। सर यहां तक ना कोई डिफिकल्टीज नहीं होती है, यहां तक हम लोग आराम से सॉल्व करके आते हैं। सर डिफिकल्टीज कहां पे आती है, इसके बाद वाले स्टेप पे, दैट इज रूल नंबर 6। तो उसको बड़े ध्यान से समझना जो मैं रूल नंबर 6 के बारे में बताने वाला, ठीक है। फटाफट यहां तक कॉपी कर लो, फिर उसके बाद अगले वाले रूल के ऊपर बढ़ेंगे। ओके, तो स्टेप नंबर 6 अब यहां पे क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। स्टेप नंबर 6 मैंने आपको पहले बताया हुआ है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आज वाला अगर आप उसको समझ के चलोगे ना, तो उतना ही सिंपल भी होगा। देखो स्टेप नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, अगेन हमें बैलेंस करना है, ध्यान से समझना। अब शायद कुछ बच्चों को यहां पे ये पॉइंट समझ में ना आए, जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना, तो वह एग्जांपल में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इस वाले रूल के अंदर आपको क्या करना है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 6 में क्या बोला हुआ, यू हैव टू बैलेंस द चार्जेस। यहां पे आपको चार्जेस को बैलेंस करना होगा। कैसे बैलेंस करोगे, तो यहां पे सिंपली आपको इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना होगा, ठीक है। अब चार्जेस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को आपको बैलेंस करना है, ठीक है। तो कैसे बैलेंस करोगे, तो वहां पे आपके रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना होगा, ठीक है। अब कौन से रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स कहां पे ऐड करना है, दैट इज ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना, जब आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करोगे, तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन्स आपको राइट साइड में ऐड करना है। कहां पे ऐड करना है, राइट साइड में। यहां पे मैं इस पॉइंट को अंडरलाइन कर रहा हूं, हाईलाइट करके रखता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मेथड बोला हुआ है, तो उस रिएक्शन में आपने क्या करना है, राइट साइड में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। वेरस अगर आप रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने जा रहे हो, तो वहां पे आपको लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है, समझा। ऑक्सीडेशन बोला राइट हैंड साइड और रिडक्शन बोला तो आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा इलेक्ट्रॉन्स आपको कहां पे ऐड करना है। अब इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल क्या होता है स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल बनेगा E-। तो जहां भी आपको इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना है, वहां पे सिंपली आपको E- करके आपको दिखाना है, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे डिपेंड करेगा रिएक्शन के अंदर कितने आपको लगेंगे। अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो सिंपली आपको E- लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर बाजू में अगर आप मेंशन कर दोगे 1 तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 1 होने से ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स 2 ऐड करने हैं, तो इस तरीके से आप 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखोगे। अगर मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, तो इस तरीके से आप लोग 3 इलेक्ट्रॉन्स लिखोगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना, कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको ऐड करना है और इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल क्या रहेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो फाइनली स्टेप नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, अब यहां पे दोबारा वही चीज सेम रिपीट की हुई है, मल्टीप्लाई विद द सुटेबल फैक्टर। सिंपली आपको वही करना है, मल्टीप्लाई विद द सुटेबल फैक्टर, मतलब एक ऐसे नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है जिसकी वजह से आपने जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड किया था वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे कहां पे, इन बोथ द हाफ रिएक्शंस, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं मेरे पास यहां पे दिया हुआ है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, मेरे पास यहां पे दिया हुआ है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इज दैट क्लियर। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, ठीक है ना, ये आपका राइट हैंड साइड में होगा, ठीक है। और रिडक्शन रिएक्शन में आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, ये आएगा आपका राइट हैंड साइड में, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहां पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, यहां पे मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए। अब रूल क्या बोलता है, मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर से जिसकी वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके इक्वल होने चाहिए, कहां पे, आपके दोनों हाफ रिएक्शंस के अंदर, ठीक है।
तो ऊपर मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, नीचे मेरे पास तीन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, क्या करोगे? दोनों को सेम करने के लिए अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे 3 से और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो मैंने वही बोला, अपोजिट नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो 2 3 बन जाएगा 6 और 3 2 बन जाएगा 6। क्लियर, समझ में आ गया? अब इन केस अगर मेरे पास ऊपर दिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन, नीचे मेरे पास दिया हुआ है दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? ऊपर मेरे पास दिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन, नीचे मेरे पास दिया हुआ है दो इलेक्ट्रॉन, तो आप ऐसे कंडीशन में क्या करोगे? नीचे वाले के पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऊपर वाले के पास बस एक ही है, तो क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले में नहीं करोगे तो भी चलेगा, या फिर सिंपली 1 से करोगे तो भी चलेगा अपोजिट में, ठीक है? यहां पर कुछ भी नहीं मतलब 1, तो नीचे 1 से कर दो, और यहां पर कितना दिया हुआ है 2, तो ऊपर वाले को 2 से कर दो, 2 × 1 2 एंड सिमिलरली 2 × 1 2। समझ में आ गया? तो ये इक्वेशंस आपको तभी क्लियर होंगे जब हम कोई एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो ये बन गया आपका रूल नंबर 7, और लास्ट वाले रूल में आपको दिया हुआ है स्टेप नंबर 8 में आपको दिया हुआ है, ध्यान से समझना, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करना है, या फिर मैं लिख सकता हूं एडिंग बोथ द हाफ reactions। अब both the half reaction मतलब oxidation half reaction as well as reduction half reaction, ठीक है? तो दोनों reactions को आपको क्या करना है, add करना है, जो भी cancel होगा cancel करो, और बाकी का जो बचेगा that will be the net reaction, ठीक है? कहीं कहीं पे आपको net reaction करके दिया हुआ है, या फिर किसी किसी textbook में आपको ओवरऑल रिएक्शन करके आपको दिया हुआ है। तो ओवरऑल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? लास्ट में जो बचा हुआ रिएक्शन रहता है आप उसको बोलते हो ओवरऑल, या फिर आप उसको नेट बोलोगे तो भी चलेगा। सिमिलरली कोई आपके गलत मार्क्स यहां पे देंगे नहीं, आप नेट रिएक्शन लिखोगे तो भी चलेगा, और एल्स ओवरऑल लिखते हो तो भी चलेगा, ठीक है? तो ये थे हमारे टोटल 8 स्टेप्स के बारे में। तो सारे के सारे स्टेप्स आपको अच्छे से याद करना है, बिकॉज अगर ये स्टेप्स याद नहीं हुए तो आपके इक्वेशन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में क्या करेंगे, हम कुछ इसके ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।